हम आपको बताते हैं कि फेक न्यूज का प्रचलन किस तरीके से हो रहा है। बीते 2 दिनों से केंद्रीय सूचना मंत्री स्मृति ईरानी समेत कम से कम 13 केंद्रीय मंत्रियों ने एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। इस लिंक के जरिए 4 बड़ी फेक न्यूज का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया है। 7 मंत्रियों ने इस लिंक को शेयर करते हुए टिप्पणी की कि फेक न्यूज के खिलाफ आवाज उठाइए। इस वेबसाइट का बाकायदा नाम भी दिया हुआ है। डोमेन रजिस्ट्रेशन whois.com के जरिए चेक किया गया तो पता चला ये पिछले साल की रजिस्टर कराई गई है। बाकी डिटेल्स में एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स को टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पार्टनर है। पीएम की लिखी ये किताब हाल ही में लॉन्च हुई थी। इसका मकसद बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने की टिप्स देना है। एक वेबसाइट के पते के तौर पर दर्ज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित दफ्तर पर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ब्लू क्राफ्ट के लिए काम करते तो हैं, लेकिन इस नाम से कोई वेबसाइट नहीं चलती। रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की स्थापना हितेश जैन और राजेश जैन ने 2016 में की थी। राजेश जैन तकनीक के क्षेत्र में जुड़े उद्यमी हैं, जो 2014 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के कैंपेन में शामिल रहे हैं। वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी पार्ट टाइम मेंबर हैं। ब्लू क्राफ्ट की संस्थापक सीईओ अखिलेश मिश्रा भी मोदी के 2014 के कैंपेन से जुड़े हैं। ब्लू क्राफ्ट में आने से पहले वे केंद्र सरकार की ऐप mygovernment.in के करंट डायरेक्टर भी रहे। हालिया वक्त में ब्लू क्राफ्ट भी मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स की टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पार्टनर है। इस कंपनी ने मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर एक किताब भी प्रकाशित की। जब एक वेबसाइट ने इससे संपर्क किया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ब्लू क्राफ्ट के द ट्रू पिक्चर्स वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस वेबसाइट को नहीं चलाते। जब ब्लू क्राफ्ट और द ट्रू पिक्चर्स के समान लैंडलाइन नंबर होने की बात की गई तो कहा गया यहाँ की किसी किस्म का मिक्सअप हो सकता है। वहीं राजेश जैन ने मोबाइल पर किए कॉल्स का संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि जिन मंत्रियों ने इस वेबसाइट का लिंक शेयर किया है उनमें पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राधामोहन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, वीरेंद्र सिंह, थावरचंद गहलोत, किरण रिजिजू, एमजे अकबर, राजवर्धन सिंह राठौर, विजय गोयल, बाबुल सुप्रियो, पूर्ण राधाकृष्णन और अर्जुन राम मेघवाल आदि शामिल हैं। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फेक न्यूज का चलन देश में बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। फेक न्यूज का सिलसिला जो है इस समय बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि फेक न्यूज और फेक खबरों के जरिए जिस तरीके से सरकार दिन पर प्रतिदिन लगाम लगाना चाहती है, क्योंकि फेक न्यूज का जो सिलसिला है बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि फेक न्यूज का जिस तरीके से अभी पिछले दिनों कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के ऊपर एक फेक न्यूज यानी कि उस पर आरोप लगाते हुए एक वेबसाइट ने लिखा था कि एक धर्म गुरु को मुस्लिमों ने, जो एक धर्म है, मुस्लिमों ने पीट पीट कर घायल कर दिया और उसका संपर्क कहीं ना कहीं सिद्धरमैया सरकार से बताया गया था। हालांकि कर्नाटक पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और जेल ले गए। मैं आपको बता दूं, वो जो शख्स था वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कर्नाटक का ही रहने वाला था। और सबसे बड़ी जो वजह थी कि वो उसको प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं। आपको अगर अगर ताज़ा खबरों के अंदर जाएं तो ताज़ा खबरों में बीते दिनों स्मृति जो केंद्रीय सूचना मंत्री स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कम से कम 13 केंद्रीय मंत्रियों ने एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है और इस लिंक के जरिए 4 बड़ी फेक न्यूज का भंडाफोड़ करने का दावा भी किया गया है।
अब मैं आपको बता दूं कि 7 मंत्रियों में से इस लिंक को शेयर करते हुए ये भी लिखा गया है और बताया गया है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इस वेबसाइट का नाम भी लिखा है और जिस तरीके से जरिए चेक किया गया तो पता चला कि ये पिछले साल ही रजिस्टर कराई गई है। बाकी डिटेल्स में एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन का जिक्र किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स को टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पार्टनर है। पीएम की लिखी ये किताब हाल ही में लॉन्च हुई थी। इसका मकसद बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने के टिप्स देना था। और एक वेबसाइट के ब्लू वाइट वेबसाइट के पते और तौर पर दर्ज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित दफ्तर पर पहुंचा तो वहां मौजूद 2 लोगों ने बताया कि ब्लू क्राफ्ट के लिए काम तो करते हैं लेकिन इस नाम से कोई वेबसाइट नहीं चलाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की स्थापना हितेश जैन और राजेश जैन के 2016 में की थी। राजेश जैन तकनीकी क्षेत्र से जुड़े उद्यमी हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए से कहीं जरिए नहीं कहा जा सकता है कि पीएम मोदी जो डिजिटल फाउंडेशन मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स की टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पार्टनर है और उनके जरिए से ये सारी चीज़ें की गई हैं, तो शायद हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के या फिर कहें वेबसाइट के तार जुड़े हुए। अब जिस तरीके से वेबसाइट के लिए एक वेबसाइट ने न्यूज़पेपर या यूँ कहें कि वेबसाइट ने पड़ताल की, पड़ताल में पता चला कि जो वहाँ के जो ऑफिस था उसमें 2 कर्मचारी थे तो उन्होंने कहा कि उनके लिए काम तो करते हैं लेकिन वेबसाइट कोई भी यहाँ नहीं चलती है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाकायदा कल एक सूचना देते हुए और एक बोलते हुए कहा है कि फेक न्यूज़ जो होगी, फेक न्यूज़ के जो पत्रकार होंगे या उनसे संबंधित जो वेबसाइट होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी पत्रकारिता या यूँ कहें कि सदस्यता पत्रकारिता सदस्यता रद्द कर दी जाएगी 6 महीनों के लिए। तो जो ये सरकार का कदम है शायद ये एक अच्छा कदम है कि कम से कम हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, जो वेबसाइट देखते हैं, जो खबरों को दिन भर देखते हैं और पढ़ते हैं सुनते हैं, उन पर कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ से बचा जा सकता है। फेक न्यूज़ और अब टीवी चैनलों का, क्योंकि अब कोबरा पोस्ट ने पिछले दिनों एक उजा 16 मीडिया कंपनियों के जो है नाम उजागर किए थे कि ये 16 मीडिया कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे लेकर पेड न्यूज़ चलाती हैं और पेड न्यूज़ चला करके कहीं ना कहीं सरकार और किसी नेता का नाम किस तरीके से बदनाम करना है पैसे लेकर के, ये सारे काम करते हैं। और बाकायदा कोबरा पोस्ट ने इस चीज़ की पड़ताल की थी कि वो कौन से न्यूज़ चैनल हैं, उनके जो एडवर्टाइजमेंट के जो मैनेजर हैं उनसे बात की गई और उनसे बात करने के बाद पता चला कि सच में कोई कुछ लोग हैं जो इन सारे षड्यंत्रों में फंसे रहते हैं। और इसीलिए फेक न्यूज़ का जो सिलसिला है, पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के कहीं ना कहीं चीज़ें खरीद ली जाती हैं और उनके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जम करके या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री विपक्ष के खिलाफ कहीं ना कहीं, चाहे वो सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, मायावती हों, अखिलेश यादव हों, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरीके के षड्यंत्र चलते रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस तरीके के जो षड्यंत्र हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान साबित कर सकते हैं और वही चीज़ होती भी है। आपको ये फेक न्यूज़ जो है, आपको बताएं 2016 में राजे जो तक आपको बताएं कि अगर एक वेबसाइट ने जब संपर्क किया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ब्लू क्राफ्ट के द टू पिक्चर वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने कहा कि हम इस वेबसाइट को नहीं चलाते हैं। जब ब्लू क्राफ्ट और द टू पिक्चर के समान लैंडलाइन नंबर होने की बात की गई तो मिश्रा ने, जो एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर, उन्होंने ये किसी किस्म का मिक्सअप हो सकता है। वहीं राजेश जैन ने मोबाइल पर किए कॉल्स का, संदेशों का कोई जवाब भी नहीं दिया।
तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फेक न्यूज का जो चलन है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। उससे निजात पाने के लिए जो सरकार का जो अभी स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया है कि फेक न्यूज से बचने के लिए सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो न्यूज़ चैनल हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।